डियर फ्रेंड, नाउ वी स्टार्ट चैप्टर 11, एक्सरसाइज 11.2, क्वेश्चन नंबर 4. ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लिन टू ईच अदर एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री. इन शॉर्ट, आपने को सर्कल ड्रॉ करके ऐसे दो टेंजेंट आउटसाइड पॉइंट में से ड्रॉ करने का है जैसे दो टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री एंगल हो. गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर. टू कंस्ट्रक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 डिग्री मीन्स पी ए एंड पी बी आर द टू टेंजेंट. अभी हम स्टार्ट करेंगे. कभी रेडियस 5 सेंटीमीटर लेने की है, यहाँ देखेंगे हम कभी ये सेंट 5 रेडियस है, ये 0 पे है, ये 0 से लेके 5 सेंटीमीटर ये हमने रेडियस ले ली, बराबर है. अभी हम कोई भी एक सेंटर लेंगे, सेंटर लेके हम ड्रॉ करेंगे रेडियस विद 5 सर्कल विद 5 सेंटीमीटर रेडियस. सर्कल विद 5 सेंटीमीटर रेडियस, सर्कल विथ सेंटर ओ रेडियस 5 सेंटीमीटर. हम स्टेप लिखते जाएंगे. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन. पहला स्टेप क्या किया? ड्रॉ ए सर्कल विथ सेंटर सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर. अभी हमको क्या करने का है? कभी दो टेंजेंट ड्रॉ करने का है तो जिसके बीच में एंगल 60 हो, हम कोई भी एक ऐसी तरह एनी ए एक्स सिलेक्ट करेंगे, एनी पॉइंट एनी रे ए एक्स. ऐसी तरह हम ए एक्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ हम पुट करेंगे पॉइंट एक्स. ए एक्स ओ एक्स सर्कल को ए पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है, ए ले लो. हमें रेडियस को अभी चेंज नहीं करने का. ओ ए जितनी रेडियस लेके पहला हम आर्क लगाए तो 60 डिग्री का होता है, दूसरा हम आर्क लगाएंगे तो 120 का होता है. तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो 120 वाली आर्क है इसको हम इसको ज्वाइन करके जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री एंगल बनेगा. तो हम इसको वाई ले लो, यहाँ एरो लगाना जरूरी है. ए पॉइंट वाई लिया तो एंगल कितना बन गया? 120. तो ड्रॉ एनी रे ओ एक्स विच इंटरसेक्ट सर्कल एट ओ ए एंड रे ओ वाई विच इंटरसेक्ट सर्कल एट बी. कौन से पॉइंट में काटता है? तो बी पॉइंट में काटेगा. ऐसी तरह हमको ये ड्रॉ करने का है. एट द पॉइंट बी लिया हम, इसको हम पॉइंट बी सपोज करेंगे. अभी क्या होगा? ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब टेंजेंट हो जाएगा. हम क्या करेंगे? तो इसको हम कोई भी स्मॉल आर्क लेके, जितनी छोटी आर्क लिया हमने यहाँ से लेके ये छोटा सा सेमी सर्कल जैसा बना दिया, जैसे 120 डिग्री आ जाए, इसी तरह रेडियस को चेंज नहीं करने का. ये है 60 डिग्री
ये 60 डिग्री बनेगा, यहाँ से और लेंगे तो 120 डिग्री बनेगा, इसके बीच में लेके क्या हो जाएगा 90, यहाँ से लेके 90, तो हम ए और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये 90 डिग्री वाला टेंजेंट बन जाएगा। सेम प्रोसेस ए बी वाले में करने की है, तो बी को लेके ऐसी तरह हमको एक सेमी सर्कल जैसा एक आर्क लगा दी, जैसे 120 डिग्री मिल जाए, यहाँ से लेके हमको आर्क लगाने की है तो ये 60 होगा, यहाँ से हम लेंगे 60 और 120 के बीच में लेंगे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ऐसी तरह हमको ये हम 90 ले लेंगे। बी और ए इंटरसेक्शन पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दूसरे को पी में काटेगा, पी पॉइंट होगा, तो यहाँ एरो लगाना जरूरी है, यहाँ भी एरो लगाना जरूरी है, पीछे भी ए भी, तो एंगल कितना बन जाएगा 60। कैसे 60 होगा, ये थ्योरम 10 पॉइंट बन के हिसाब से ओ बी परपेंडिकुलर टेंजेंट, ओ ए परपेंडिकुलर टेंजेंट, और 90 90 120 था तो कितना ऑटोमेटिक हो जाएगा 60 डिग्री। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे ड्रॉ परपेंडिकुलर एट ए एंड बी विच इंटरसेक्ट, जो दोनों टेंजेंट के इंटरसेक्ट कौन से पॉइंट में काटे, तो हमने देखा कि पी पॉइंट में काटते हैं, इंटरसेक्ट एट पी, दस रिक्वायर एंगल ए पी बी इक्वल टू 60 फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन टू सर्कल। मीन्स दो टेंजेंट के बीच में एंगल 60 एंगल बन गया, ये आपने बताने का मेन ये था, तो एंगल तो बी पी ए इक्वल टू 60 डिग्री इज कंस्ट्रक्टेड। यहाँ कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ, थैंक यू।